हेलो सरकम सत श्री अकाल नाउ आई एम बैक इन कराची जी बड़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है There you go. And on the आग लग रही है. Live ice cream going on. कराची ice cream जो है ना कराची है. इतनी वो special है. ये लगे. Deep fry करते हैं. I've never seen actually anything like that. Senabar street food. I am sweating here. Hello, Assalamualaikum, Sasiyakar, Namaste, Kem Chow, Majama, Kasa, Kai, Marhaba. Welcome to Danish Vlogs. I am back in Karachi. जी हमारा ट्रिप बड़ा जबरदस्त रहा. उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा. बहुत जगह फिर कर आए हैं, बहुत सारी पहले वीडियो देख चुके होंगे और मज़ा आया होगा. और जल्दी जल्दी मुझे बताना आपको जी कौन सा सिटी ज़बरदस्त लगा या कौन सी वीडियो ज़बरदस्त लगी. मेक श्योर यू लेट मी नो. सो गेस व्हाट, आई एम बैक इन कराची एंड देयर इज लॉट्स टू डू, लॉट्स ऑफ स्ट्रीट फूड स्टिल टू शो यू गाइज. आई एम इन द रिक्शा एट द मोमेंट एंड इट्स ट्रैफिक. सैटरडे का दिन है और इधर जी रश होता है. हम जा रहे हैं आज, काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप भाई बंस रोड तो मिल होकर आए, आपने जाना है हुसैनाबाद. उधर का स्ट्रीट फूड ऐसा स्ट्रीट फूड है कि आपको उधर के हर किस्म की चीज़ें मिलेगी, कोई नई नई आइटम भी मिलेगी. जैसा कि एक यूके में होता है काफ़ी कॉर्न डॉग्स, जो कॉर्न डॉग्स इधर भी आपको देखने को मिलेगा. साथ में जी मटका फ्राई जो मैंने कभी कहीं देखा नहीं है, कबाब्स हैं, चरगा है, इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रीट फूड हुसैनाबाद स्ट्रीट फूड मिल रहा है. सो यू नो व्हाट गाइस, लेट्स नॉट डिले, तो चलो मारे ना. Senabar street food and like I said I've come down here. I don't know exactly where I'm going. I've seen a lot of videos so I'm just gonna follow up. I'm gonna go one way. देखेंगे क्या क्या चीज़ें आते हैं. ये आप लोगों को तो रोड दिखाता हूँ, फिर एक साइड से जाएंगे, दूसरे साइड से वापसी करेंगे. साथ साथ में कुछ ना कुछ ट्राई भी करते जाएंगे. ये जी हमारे बहुत अच्छे भाई हैं इधर, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, आप दो महीने बाद इधर आए हैं सेना बाद, कुछ चेंज वेंज अभी चेक करते हैं कि कोई चेंज होया कि नहीं. काफ़ी चेंज लग तो रहा है. आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा खाना इधर मिलेगा? अच्छा यार, यहाँ पर कढ़ाई भी काफ़ी फेमस. अच्छा, बारबेक्यू भी है. अच्छा, यहाँ के डिजर्ट भी काफ़ी फेमस है. अच्छा, और काफ़ी शॉप जो है अभी यहाँ पर अभी नई भी खुली है. चलो नई शॉप भी खुली. हम पहला हम इधर ही रुके थे तो हमने ये सामने देखा जी, हॉट एंड स्पाइसी फ्रेंचीज कॉर्न डॉग मामा फ्राइज. ये जी मटके लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से. ये इनसे बात करते हैं क्या क्या बना रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, क्या बन रहा है इधर? सर यहाँ हॉट डॉग, कॉर्न डॉग. अच्छा, कॉर्न डॉग्स की वैरायटी इस तरीके से दिखाएं जरा, चेक करें. अच्छा अच्छा, ये पहले से आपने रेडी किए हुए होते हैं, बैक टू ऑर्डर जैसे का वो यहाँ कस्टमर आता है उसको फ्राई करके दे. तो ये मटके में क्या, ये इसमें आता है सर पिज्जा फ्राइज, चिपोटले फ्राइज. अच्छा जी हाँ, इसमें चिपोटले फ्राइज भी बनता है, बाय स्पेशल फ्राइज भी इसमें हम बना के दे देते हैं. अच्छा, चीज होता होगा, काफी चीज ही होता, स्पाइसी होता है और चीज वगैरह होता है इसमें, लोडेड होता है. ये कितने का बेचते हैं एक मटका में? सर ये 350 का भी है और 500 का. अच्छा, 350 का भी है, ये छोटे में आता है इस तरीके का? जी हाँ, ये 350 में इसका आता है और बड़ा साइज में जो है ये 500. अच्छा, ये वाले 500 में. अच्छा, ये आजकल की रेट है कि ये आजकल ये मुस्तकिल रेट है? अच्छा, ये आजकल की रेट है. सो गाइस, ये जगह है, हम लोग पहला स्टॉल है, हम आए हुए इधर. ठीक है, ये भाई लगे हुए, अगर आप भी आए मेक श्योर यू कम डाउन. आई हैव टोल्ड यू शो यू अ लिटिल बिट किस तरीके से कॉर्न डॉग बना रहे हैं. एक नई आइटम भी समझ ले, थाई की आइटम है तो इस तरीके से जो है बना रहे हैं. चलें, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक क्या हाल है, ठीक हो? गुड हो, इन्जॉय कर रहे हो? ज़बरदस्त. सो गाइज, ये एक जगह है वे परफेक्ट फैमिली रेस्टोरेंट. ये जी है तैयब, इधर भी कुछ बना रहे हैं तो पता नहीं लगेगा. इधर कट्टा कट है, उधर कढ़ाई बन रही है, इतने बड़े अच्छे अच्छे कढ़ाई बन रही है, फैमिली रेस्टोरेंट है. तो इधर जी क्या क्या बन रहा है, क्या बना रहे हैं जी इधर? मटन चिकन कढ़ाई. मटन चिकन कढ़ाई, अच्छे अच्छे आ रही है इधर, ये भी लगे हुए इधर.
मसाले लग रहे हैं, मसाले लग रहे हैं, मसाले टेस्ट लग रहे हैं इस तरीके से। ऊपर हमारे हमारे बात करता जी। बड़े मजे मजे के बारबेक्यू लग रहे हैं, स्मेल धुआं धुआं हो रहा है, बड़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है, मसाले बड़े अच्छे हैं इनके, मेरे नाक में जा रहा है। बट अमेजिंग, लुक्स अमेजिंग द वे दे कुकिंग यार। तो ये जी फैमिली है, फैमिली के साथ आप आ सकते हो, इधर इंजॉय भी कर सकते हो, खाना शाना फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, और इधर मज़े मज़े के बारबेक्यू खाना शाना लगा। अभी चलते हैं आगे की तरफ, अभी शुरुआत है, अभी पूरा रोड पड़ा हुआ है। तो जी जगह में नान छान रोटी शोटी बना रहे हैं भाई हमारे, थैंक यू। क्या हाल है जी? इस तरीके से लगाते हैं, और इधर ये शॉप है ये भी चेक करें, और इसके साथ कोला वाला शॉप भी है। ये देखें जी बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, बीफ नली बिरयानी है, बीफ नली बिरयानी, बीफ नली बिरयानी। अच्छा बीफ नली बिरयानी। अच्छा कितने लोग क्या ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इधर? बीफ नली बिरयानी, बीफ नली बिरयानी पसंद कर रहे हैं। बड़े बड़े नली होते हैं इस तरीके। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाएं ये देखें गाइस, लुक एट दिस, लुक एट द साइज ऑफ देम, देयर यू गो, दैट्स द क्वाइट अ मैसिव साइज गाइस। एंड इफ यू लाइक टू लिव ऑन द नली बिरयानी, यू गॉट प्लेंटी देयर, काफी इन डिमांड मौजूद है। ये शॉप का क्या नाम है? जायकेदार अलीम, जायकेदार नली बिरयानी। अच्छा जायकेदार, ये देखें अलीम भी बना रहे हैं। एक कोने से आप निकलेंगे दूसरे शॉप में, एक अच्छी अच्छी मतलब उधर कुछ और बन रहा है बारबेक्यू स्टफ, इधर हलीम बन रही है, बिरयानी बन रही है। सो यू गॉट लिटरली एवरीथिंग, आई हैवन्ट इवन गॉन द फॉर येट, आई हैव जस्ट लिटरली कम जस्ट अ लिटल वे, विद इन 5 मिनट्स आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस यार। वो देखो बुलान, बुलान बोलते हैं, बुलान जो है काफी मशहूर है, उधर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आगे चलते हैं। और आप लोगों को जल्दी से बता दूं, फूड सेंटर इज हियर एज वेल, सो दिस वन इन बंस रोड, और एक जो इधर है। आइसक्रीम खा रहे हो मज़े मज़े के यार, आप लोग हमें भी खिलाओ। नहीं नहीं ऐसे ही बोल रहा हूँ। किधर से लिए ये आइसक्रीम, कहाँ से लिए? अच्छा वो, अच्छा वो कराची आइसक्रीम वाला, अच्छा है वो, उसका आइसक्रीम ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। कराची आइसक्रीम जो है ना कराची, अच्छा अच्छी है। अच्छा ये कौन से कलर की, कौन से फ्लेवर लिए आपने? कलर तो आपके सामने पिंक है, येलो है, वाइट। फ्लेवर क्या है, मतलब स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है यार, उसको हमने रेगुलर कोन बोला, उसने स्ट्रॉबेरी। अच्छा मिक्स करके उसने बनाया हुआ है, अच्छा टेस्ट अच्छा है, गर्मी में मौसम में अच्छा होगा। चलो जी ज़बरदस्त, चलो आप लोग इन्जॉय करो। ये कराची आइसक्रीम से इन्होंने आइसक्रीम लिए, अरे कई के पान बनारस जी, पान शान भी इधर मौजूद है, अगर आपको पान पसंद है इधर पान शान भी मौजूद है। ये बच्चा पार्टी सब इधर खाने वाले आइसक्रीम है यार, आइसक्रीम में खा रहे हो, मुझे मेरा भी दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को, लेकिन खाना नहीं खाया अभी, पहले खाना खाएंगे फिर। गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से बाहर से फिलहाल दिखाता हूँ, बाहर में चेक करते हैं, क्योंकि अभी जो हमने आगे काफ़ी जगह जाना है, तो आगे चलते हैं जी। ये कौन जगह है जिसमें पान बन रहे हैं, पान शान बना रहे हैं, पान शान बना रहे हैं। सलाम अलैकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भेज रहे? पान, पान मीठा है, राजा साहब है, इंडियन पॉकल है, प्रोटीन पान है। कौन सा लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? सब खाते हैं, सब पसंद करते हैं। अच्छा सब पसंद कर रहे हैं, पान की जगह हमें पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। कराची ये नाम है, कराची पाँच होगा। ये एक स्टॉल लगी हुई है बिल्कुल कराची आइसक्रीम के पास, इधर भी ये बना रहे हैं, पान शान पड़े हुए इनके पास, और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करें। साथ में ये क्या है, गोलगप्पे बन रहे हैं इधर इनके साथ, ये गोलगप्पे ठीक हो। क्या बना रहे हैं भाई इधर, इसके ऊपर क्या और डालते हैं? पापड़ डाल रहे हैं। आपने वकील डिश ला दी, इसमें क्या डाल रहा है? ये कड़ी पाउडर। अच्छा अच्छा, इनके पास बहुत सारे मसाले भी हैं, गाय का समझ नहीं कि इसका। ये कितने की एक प्लेट बेचते हैं? ये 100 रुपये।
कितने? 100 रुपये। अच्छा अच्छा 100 रुपये, 150 रुपये। एक भाई बना रहे हैं। सो दिस आर लिटरली लॉज ऑफ स्ट्रीट फूड अराउंड हियर। ये कौन से वाले? इसके ऊपर प्याज भी डलता है, चटनी भी? चटनी प्याज केचप मेयोनीज। ओके, दिल्ली तो बना रहे हैं प्याज बनाने में 7 रुपये। ये अंडा भी डला है? अंडा यानी अंडा डलेगा अभी नहीं है। अच्छा इस तरीके से वो बना, ये सूप है, यखनी सूप इस तरीके से यार इधर बन रहा है। मसाले क्या मसाले? ये मसाले हैं। लॉज ऑफ स्ट्रीट फूड या मान, ये एक मशहूर जगह आ चुके हैं। ये है कोसिया, कोसिया आइसक्रीम बारबेक्यू फास्ट फूड चाइनीज चरगा कढ़ाई। अच्छा ये इसके बारे में काफ़ी सुना है। पूरी पराठा बना रहे हैं इधर हमारे भाई इस्लाम ने को जी को फ्रेश बन रहे हैं जी। पूरियाँ शूरियाँ बन रही है। ये देखे जी ये मसाले, इसका अपना मसाला बनता है खुद बना। सो रिले अराउंड हियर देयर इज लोकल क्या बोलते हैं आप लोग, वेलचर का known for their charge, they're known for their stuff, and basically a lot of people are coming down to try their amazing food out. And I can see a lot of masala on top of it. The masalas are amazing, and then there's a lot of barbecue stuff going on there. फ्राइज वाला भी है। ये क्या है? लिम्बू लिमका बनाते हैं। ये पान वाला है, फायर पान इनके पास भी। अच्छा फायर पान है, ये बोल रहा हूँ फायर पान मटका पान। फायर पान फायर पान कौन सा बेहतर है? मटका पान ले लो। हाँ फायर पान अच्छा है, फायर पान अच्छा है। फायर का बना लो, फायर बना लो, फायर बना लो। सो गाइस लुक एट दैट, देखो ये प्लान हो गया मटका ले लो। देखो तो मटका वन मटका कैसे इसमें उसकी मूवी बनानी है। देखो तो मटका पान जी गो, दैट्स सम अमेजिंग मटका पान बना लिया। ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है भाई, आप क्या बना रहे हैं? फायर पान। फायर पान तो क्या क्या इसमें डलता है फायर पान में, आपको बताएंगे? अच्छा आप साथ साथ में बताएंगे, ठीक है ठीक है। ये क्या डला है? गोल्डन डली है जबरदस्त। ये मीठी छाले डलती है इसमें। ओके इस तरीके से बनेंगी गोलियाँ डलती हैं। ओके अच्छा सब भी डलती है, ठीक है। डलती है जबरदस्त, काफ़ी चीज़ें डल रही है। सफ़ेद कपड़ा लगेगा इसमें। देखो गाइस लुक शोइंग यू द लाइफ, फायर का मसाला लगता है। अच्छा ये फायर का मसाला इसके ऊपर जब आग लगती है। अच्छा 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 लगेगा। अच्छा एक मिनट, इससे पहले मैं वही दिखाऊंगा। ये देखिए इधर भी बन रहे हैं पान। अच्छा गाइस बी रेडी फॉर दिस नाउ। या मैं खाऊंगा बिल्कुल। सो गाइस आर यू रेडी फॉर द फायर पान? देयर यू गो, आई एम रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट टाइम अन अन आग निकल आई, द फ्लेवर इज गुड। ये मीठा पान है काफी ना, मिंट हो जाता है, मिंट हो जाता है, मिंटी हाँ ठंडा है बिल्कुल। मैं काफी टाइम से कह रहा था कि मैं पाकिस्तान आऊंगा, आग वाला पान लाजमी ट्राई करूंगा, और आज वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। ये जगह है VIP पान शॉप, ये जगह शॉप। अच्छा जैनाबाद स्ट्रीट फूड में है, तो बड़े मजे का पान है आग वाला, बस वो कहते हैं ना अंदर से आग निकल आई है, बड़ा ज़बरदस्त है। अभी आगे भी चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ हुसैनाबाद स्ट्रीट फूड में मौजूद है। तो
guy's brother here, mashallah, he's gonna make us, well, he's gonna make some matka fries. So matka fries mein pehle ja raha hai, ye fries mein kya ja raha hai, masala? Ye Afghani flavor. Achha, ye Afghani flavor hai. Iske baad green chilli. Okay, ye aapne masale rakhe hain idhar bahut sare. Bilkul. Ye spicy cutter hai, jisse spicy hota hai. Zabardast. Ye baad thoda isko hal karenge. Okay. There you go guys, it's literally a little bit. All the spice has gone on top of it. Get out, get out. Now they're going to add in there. Just like that. There you go. थोड़ा बहुत चटपटी हो जाएगा ये क्या जा रहा है ये हमारी जो पर्सनली मायो है वो ओके इसके बाद थोड़ा सा और स्पाइसी कट जाएगा स्पाइसी ज़्यादा रहता है इसमें जी स्पाइसी करने के लिए थोड़ा टेस्ट अच्छा है जबरदस्त इसमें आएगी स्लाइस चीज़ आदि आदि अच्छा चीज़ भी डलती है There you go, guys. Cheese is she's gone on top of it. फिर इसके बाद होगी फ्राइज की टॉपिंग अच्छा चीज के ऊपर एक और लेयर फ्राइज जी तो दो लेयर फ्राइज होगी बिल्कुल टॉप तक करते हैं जी अच्छा देखो गाइस लिटरली फिल्ड ऑल द वे अप फ्रॉम दैट मटका ये मटका ये कितने का भेज रहे हैं आप ये अलग अलग प्राइस है ये बंदे 350 वाला ये बंदे 250 वाला ओके फिर मेयोनेज ऊपर फिर हाँ जी हाँ मेयोनेज तो वहाँ के बाद फिर ये थोड़े फ्लेवर आएंगे More sauces, more masala on top of it. उसके बाद एक में आएगी स्लाइस की 250 वाले में ऊपर तो एक बेसिक इज डिफरेंट ऑर्डर्स समवनस ऑर्डर एक में आएगी मोज़रेला चीज एंड देन समवन एल्स इज ऑर्डर्ड मोज़रेला चीज सो वी गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ चीज हियर एज़ वेल गॉट द मोज़रेला एंड द नॉर्मल वन तो उसके ऊपर आएंगे केएफसी का अच्छा ये और पेपर ओके देयर यू गो पेपर सो बेसिक इज एडिंग सम कैप ये हो गया तैयार ये हो गया देयर यू गो इट्स गॉन इन द ओवन कितने मिनट तकरीबन 3 मिनट 3 minutes and it should be coming out matlab ke bilkul cheese melt ho jayega bilkul zabardast abhi aap log ko final look dikhate hain guys 3 minute ho chuke hain ye final look hai ji dekh le that's the final look is tarike se ji melt hokar ye final look aake shuru ho gayi So guys, as you guys know, Kabul Darbar in on Ladypool Road, Birmingham, UK. Like I said, I went to Peshawar and I showed you a little bit of Chersi Karai. हमें उधर जी चपली कबाब मिला नहीं तो इधर जी हुसैनाबाद कराची में ही हमें दिल पसंद पेशारी चपली कबाब I quickly show you exactly what kind of चपली कबाब they're making. इनको पहले फ्राई भी कर रहे हैं साथ साथ तो बने रहे ये लगता है इनका कोई साइड कबाब के साथ देते हैं पीछे डाले का चपली कबाब के साथ शायद लगता है ये देते हैं इस तरीके से देखें फ्राई हो गए और कबाब भी बने हुए ये देखें कबाब के ऊपर अच्छा इस तरीके से देखें फ्राई किए चिलीज को वो साथ में चपली कबाब ऊपर मसाला और इस तरीके से लोगों को सर्व कर रहे हैं तो एक यूनिक वे मतलब के ज़्यादातर लोग मिर्चे के साथ नहीं देते इनका थोड़ा यूनिक वे लग रहा है इस वे यू गेट टू सी द चपली कबाब भाई आपका नाम क्या है बाबर बाबर अच्छा कब से आपने स्टार्ट किया है ये यहाँ पर 11 महीने हो गए हैं अच्छा 11 मंथ हो गए इसका तो सिर्फ एक ही डिश है आपके पास या और भी कुछ करते हैं और ही चर्गे चर्गे भी साथ साथ में बना रहे हैं अच्छा 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 तो गाइस दे डोंट ओनली डू कबाब ये चर्गे भी बनाते हैं आ जाए थोड़ा ये बनाते हैं इस तरीके से ठीक है ऐसे हो गए और आप जो है ये क्या हो गए डीप फ्राई करते हैं इस तरीके से ठीक है अपना मसाला है भाई जी अपना मसाला जबरदस्त कितने का भेज रहे हैं एक 60 रुपए का ही है 60 रुपए का ही अच्छा तो साथ में प्याज भी देते हैं और चटनी भी प्याज है चटनी है मिर्ची है अच्छा अच्छा जबरदस्त वो कबाब है दिए निर्दय And I'm not gonna know if it's actually good or not until I actually try. Try करेंगे तब पता चलेगा बना कैसे वरना ऐसे तो पता नहीं चलेगा थोड़े मेरे हिसाब से जो बड़े होते हैं वो डिफरेंट हैं ये थोड़े छोटे पीसे काबुल दरबार अगर आप जाएंगे बर्मिंघम लेडीपुर रोड में तो उधर आपको बड़े पीसेज मिलेंगे वो डिफरेंट थे ये डिफरेंट है चलें लेट्स ट्राई आउट क्विकली डू अ क्विक रिव्यू So guys, there you go. I've got some onions, some kebabs. To be honest, I'm not really bothered about the other stuff.
वो मैं इतना बॉर्डर नहीं कर रहा, मेन चीज़ है ये भाई गरम गरम, ठीक है गरम गरम जी। अच्छा मुझे पर्सनली नान के साथ पसंद है, अब फुफेरे चपाती है नान के साथ ज़्यादा पसंद है, ठीक है लेकिन मैं क्योंकि टेस्ट के लिए मैंने चेक करना है, क्वाइट ऑयली एज यू नो, गरम भी है काफ़ी, लेकिन गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो लेट्स ट्राई इट आउट, बिस्मिल्लाह। इसमें काफ़ी क्रिस्पीनेस भी और ऑयल भी है जो जिस तरीके से थोड़ा इसको क्रिस्पी कर दिया, सॉफ्ट काफ़ी है क्योंकि आदमी ऑयल काफ़ी ऑयल में काफ़ी बनता है तो इस तरीके से सॉफ्ट भी हो जाता है काफ़ी। मसाला जो इन्होंने ऊपर डाला हुआ है वो भी एक अलग सा फ्लेवर दे रहा है, ठीक है, और ख़ासकर गरम गरम है तो वो ज़्यादा मज़ा करता है गरम गरम खाने का, फ्लेवर भी अच्छा है। ये जी चिली आ चुकी है, चिली इसको एक बाइट करते कोने से, ज़्यादा नहीं खाते वरना हमारा काम ख़राब हो जाएगा। हमने एंजॉय माय कबाब, आगे पूरी अभी आधी स्ट्रीट भी नहीं हुई, आगे हमने और जाना और चीज़ चेक करनी है, तो हम थोड़ी थोड़ी देर में आप मिलते हैं। चौबाल ये कोई कहते हैं स्पेशल गोल गप्पे बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप? मैं गोल गप्पे स्पेशल है, मिर्चे वाला होगा तो खाएंगे, मिर्चों वाले फुल मजा, मिर्चे वाले नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, फुल मजा आ जाएगा। गाइस यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ गोल गप्पे वीडियो स्ट्रीट फूड इन यूके ऑन आलम रॉक रोड, I've made quite a lot of videos. So brother here is making some golgappe. Let me show you. He's adding some chole daare, chane. Bhai chane. Chane daare. Acha, ye dekhe. There you go. Hey, ek kitna banana le. दो तीन टेस्ट कराता हूँ, तीन टेस्ट कराता, अरे टेस्ट कराऊंगा हाजी भाई, मैंने सिर्फ टेस्ट करना, चेक करना कैसा भाई, चेक कराऊंगा। ये क्या डाल रहे हैं? ये आलू बुखारा और अपना गुड़ की चटनी है। ओके Just next to brother here, they got the सारा टेस्ट पी गए। ये है पानी आ गया, 12 मसाले इस पानी में अपने। अच्छा 12 मसाले, पानी आप सारा पियेंगे इंशाल्लाह, कलर खराब ना हो जाए भाई। नहीं 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 कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, स्पेशल है। सो बेसिकली ब्रदर वांट्स मी टू ट्राई हिज गोल गप्पे, एज आई सेड इज दैट इट अ लिटिल ऑफ छोले चने। अच्छा प्याज ऑनियन कुछ ऐसे नहीं डालते, ये वाले अपने स्पेशल है। अच्छा इसमें जब वो अलग चीज़ होती है, अच्छा ये थोड़े मेरे हिसाब से सिंपल टाइप है लेकिन वो कह रहे हैं पानी का थोड़ा मसला है। अच्छा ये पानी के अंदर डालना है, स्पेशल अपना पानी है, ऐसे डालकर ठीक हो। गाइस रीटेक, कट कट। Anyways guys, let's do another one. Try next to try करते हैं फिर से जल्दी से। Totally. पर्सनली अगर प्याज होता मिर्चें होती थोड़ा इस तरीके अलग चीज़ हो जाती है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये भी इसका पानी का सब मेन चीज़ है, इसका पानी जिसके अंदर ये कह रहे हैं भाई के 12 मसाले तले में पानी में, ठीक है। ये जी भाई खा रहे हैं, अच्छा पानी का ज़्यादा पानी का मसा, ये मेन चीज़ है, वरना मेरे हिसाब से जो मुझे पता है मैंने बहुत सारे गोलगप्पे खाए हैं, ये पानी में जो मसाले ऐड हुए हैं हाँ तो सिर्फ उसका है, लेकिन अगर देखा जाए गोलगप्पे के मेरे हिसाब से ऑनियंस ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, थोड़ी मिर्चें होती हैं, कोई दही वाले भी योगर्ट भी होता है उसका अलग फ्लेवर हो जाता है, लेकिन ये जो ऐसे पानी। चलें आगे की तरफ चलते हैं, ये भी जगह है, काफ़ी जगह है आगे और भी हमने विजिट करने। हमें कुक विद ZAHIDA ओके ऑफिशियल, आप क्या पी रहे हैं मज़े मज़े का? वाह जी वाह, मुझे भी देना। नहीं नहीं मजाक, नाइस वन, नाइस टू सी यू गुड बॉय। हाउ हियर एज़ वेल, देयर क्वाइट नोन एज़ वेल। सो गाइस हैव यू सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर? देयर यू गो, यू गॉट द लाइव आइसक्रीम गोइंग ऑन, ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है इस पर चलाते हैं या फिर ऐसे करके निकालते हैं। ज़बरदस्त,
I don't think you guys must have seen anything like that before. I've not seen it myself. This is the first time I'm actually watching it right in front of me. So this is called live ice cream on the Center Bar street food. I don't think I've seen it in UK as well. मैंने ना UK में देखा इस तरीके से. ये पहली दफा मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ. कप हैं इस तरीके से. मैंगो है. मिक्स फ्रूट है. काफ़ी different different टाइप के हैं. इनकी आपकी शॉप पे? अच्छा अच्छा ज़बरदस्त. तो क्या फ्लेवर लोग क्या ज़्यादा पसंद करें? मैंगो पसंद करते होंगे. चॉकलेट. मैंगो और चॉकलेट बच्चे ज़्यादा करते होंगे. मैंगो मैंगो भी चॉकलेट बड़े भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल चॉकलेट है ना. इसमें आप लगाते हैं? इसके अंदर बर्फ़ और नमक है. बर्फ़ और नमक है. अच्छा उसके ऊपर जो भी आप फ्लेवर हो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं. ओके सो देयर यू गो गाइस, दिस इज लाइव आइसक्रीम. चेक देम आउट. ये दिस इज अ प्लेस फॉर स्नैक फ्लिक्स कॉर्न डॉग. सो आपने मेरी कॉर्न डॉग की वीडियो देखी होगी, काफ़ी इंस्टाग्राम में मैंने डाली है यूके में. लेकिन पाकिस्तान का पहली दफ़ा आप लोगों को कॉर्न डॉग दिखाऊंगा. और ये एक नई चीज़, लोग कहते हैं इधर नई चीज़ आई हुई है पाकिस्तान में, एक ये नई चीज़ ट्रेंड भी आया हुआ है कॉर्न डॉग का. एंड इट्स क्वाइट बिजी एज वेल, अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर हियर बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ यंगस्टर थिंग टू बी ऑनेस्ट. और मेन चीज़ है कि अगर उसकी पुल अच्छी हो, चीज़ पुल, तो वो पता चलता है कि अच्छे तरीके से फ्राई होया जाता है. और पुल चीज़ी का प्रॉपर चीज़ी होता है. सो आई एम गोना शो यू अ लिटिल बिट व्हाट दीज गाइस आर डूइंग. ब्रदर हियर इज मेकिंग सम कॉर्न डॉग्स. इट्स गॉट चीज़ ऑन टॉप ऑफ इट. सॉसेज वाले, हॉट डॉग वाले जी ऊपर. तो ये बैटरिंग डाल रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज द बैटरिंग ऑन टॉप ऑफ इट. आई एम मिक्सिंग इन पोटैटो है. पोटैटो में ऊपर कर रहे हैं. यस देखो गाइस. ओके नाउ अनदर लेयर. ब्रेड क्रम्स जी. ब्रेड क्रम्स. अच्छा क्रम्स है. ब्रेड क्रम्स. रेडी टू फ्राई. तो इन चीज़ ये कितने मिनट में हो जाएगा? जबरदस्त. इस दफ़ा पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, ठीक है, कॉर्न डॉग्स बनाना. थाई थोड़ा इस तरीके से, उस तरीके से आया है. तो ये भी इधर ये जगह है. स्नैक्स क्या नाम है? स्नैक्स स्नैक्स मिक्स स्लिक फ्लिक्स. अच्छा स्नैक्स फ्लिक्स. ये बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब कि बाबू बन कबाब है, बिरयानी है. और ऑपोजिट डेली मलिक, ठीक है, डेली मलिक के बिल्कुल कोने पे आप जो ऑपोजिट चेक करें तो ये बना रहे. सो देयर यू गो, द कॉर्न डॉग्स आर लिटरली रेडी. क्या क्या सॉस डालेगा? मैं इधर आऊँ. चाट मसाला जी. ऊपर सॉस जा रहा है. क्या क्या? चिली गार्लिक. अच्छा सलाचे वाला तो नहीं है? नहीं. ओके मेयो गार्लिक. सॉरी मेयो गार्लिक. चला एंड हनी मस्टर्ड. ये तो मस्त है. रन ऑन द टॉप. ये हो गया. देखो गाइस ये एक कितने का आप दे रहे हैं? 550 का एक दे रहे हैं. तो गाइस जस्ट नेक्स्ट टू वी ट्राई द कॉर्न डॉग नाउ. वी गॉट द मोमोस गोइंग ऑन एज वेल. ये इस तरीके से ये नॉर्मली फ्राई जस्ट लाइक दैट ऑन द लास्ट वन. ये नॉर्मली बॉईल या ओपन इन बॉईल स्टीम करते हैं ना? जी जी स्टीम करते हैं. फिर फ्राई करते हैं. फ्राई नहीं, फ्राई अलग है. फ्राई वाला अलग चीज है. ये अलग है. अच्छा आगे चलते हैं फिर और आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या मौजूद है इस स्ट्रीट फूड पे. इधर इन्होंने लगाया है डिस्प्ले में. फ्रेश गुलाब जामुन बन रहे हैं जी इधर. ठीक हो? क्या बनाते, किस तरीके से देते हैं इसको? गुलाब जामुन बस ऐसे प्लेट में और इस तरीके. अच्छा अच्छा ज़बरदस्त. फ्रेश फ्रेश बनाते हैं डेली. एक साल खत्म हो गया, दूसरा साल चालू. अच्छा ज़बरदस्त. ये देखें एक फिनिश हो गया ऑलमोस्ट. ये हर दिन इधर होते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा. कितने घंटे में कम हो जाता है? 8-9 घंटे लग जाता है. अच्छा अच्छा ज़बरदस्त. गरम गरम होता है. आइसक्रीम के साथ देते हैं कि ऐसे ही? रबड़ी के साथ. रबड़ी के साथ देते हैं. ओके सो बेसिकली व्हाट दे नॉर्मली डू, यू गॉट द रबड़ी देयर एंड देन यू विल पुट इन अ प्लेट एंड देन पुट द गुलाब जामुन एंड दैट्स हाउ दे गोना सर्व इट. सो दिस इज लाइक अ स्मॉल स्टॉल. हाजी सिद्दीकी के मेडिसिन के पास ये जी स्टॉल है. और इधर जी रबड़ी गुलाब जामुन बना रहे हैं, जरूर चेक करेगा. इस तरीके का है कि रोड ब्लॉक हो रही है.
देखें जी इधर भी बन रहे हैं, बन कबाब है, शामी कबाब है, ये कलेजी टिक्का लग रहा है, कलेजी, ये जी कलेजी, कलेजी इस तरीके से बनाते हैं, टकाटक बन में देते हैं। अच्छा अच्छा, सो बेसिकली व्हाट दे डू, दीज आर द बंस एंड दे नॉर्मली, इफ यू वांट एनी ऑफ कलेजी, दैट्स व्हाट दे डू, दे नॉर्मली पुट इन द बन और इस तरीके से सर्व करते हैं। कलेजी मतलब कि कलेजी बन बन गया है गाइस, कोकोनट भी भेज रहे हैं इधर। सो गाइस जस्ट टू लेट यू नो, यू गाइस मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पोटैटो टोर्नेडो, टोर्नेडो पोटैटो हम तो काफ़ी बना चुके हैं, आप लोगों को दिखाया भी है, उधर यूके में बनता है हमारा जो काफ़ी मशहूर है डच फिशमैन, दे मेक सम अमेजिंग टोर्नेडो पोटैटो। ये एक ऐसी जगह में आया हुआ हूँ इधर जी, वो पोटैटो वाला नहीं, इधर बनाना पोटैटो भी बनता है, मतलब कि बनाने में बनता है, बनाने में बनाना फ्राई कहते हैं। अच्छा ब्रो, दिस इज एक्चुअली द स्मॉलर वन, नॉर्मली यू नीड अ बिगर वन, एंड दीज आर द बनानास नॉर्मली टू गेट फ्रेश एवरी डे। तो इस तरीके से पीलिंग करेंगे पहले, सो द पीलिंग ऑफ पूरा स्किन पील करते हैं बस, या पूरा स्किन। अच्छा देयर यू गो गाइस, इट्स गोइंग इन देयर जस्ट लाइक दैट, देयर यू गो। मैंने फ्राइज देखे हैं इस तरीके से, चिप्स देखे हैं, लेकिन बनाना नहीं देखा फ्राइज, पहली बार देख रहा हूँ। जस्ट लिक ही पील देम अप एंड इट्स गोना फ्राई देम जस्ट लाइक दैट, देयर यू गो। लुक एट दैट, यू गाइस कैन सी द कलर नाउ, इट्स गेटिंग अ बिट ऑरेंज, ब्राउनी हो रहा है जी कलर इसका, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कलर आ रहा है इसके, देखिए फ्राई हो रहा है तो लाजमी थोड़ा कलर आएगा। लुक रहा गाइस, दैट्स इज द पोटैटो, वी कॉल इट टोर्नेडो पोटैटो, राइट। बनाना फ्राई और अच्छा मसाला भी डाल रहे हैं ऊपर जी, मसाला जी, तो मसाला है, फ्लेवर है अलग अलग। इसमें आप अपना मसाला डालते हैं या बस ऐसे? नहीं, अपना मसाला भी होता है मगर अच्छा मसाला होता है। अच्छा, चार किस्म के दाल के? हाँ, चार किस्म के डाले, वैसे मसाले छः किस्म के हैं मेरे पास। गाइस दिस इज लुकिंग, दिस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग, यू नो हाउ, ये देखिए जी, अभी और डालेगा जी कैसे, यानी सॉस वगैरह डाल दी। नाइस, साथ साथ में बताते जाए ना, तो मतलब ये क्या डाल रहे हैं? इसकी सॉस है। अच्छा, ये सॉस है, ठीक है। ये भी एक सॉस, ये भी एक सॉस है, गार्लिक सॉस है। अच्छा, गार्लिक है और एक अलग सॉस है, अलग सॉस है, ज्यादा नाम नहीं बताना, सीक्रेट है, सीक्रेट सॉस कोई नहीं बताता। चटनी वगैरह डालनी है, ये चटनी डालने वाले जो आप जिस तरीके से आपको पता अच्छा हो, केचप माइनस सॉस, बस सॉस है मेरे साथ, थोड़ा सा केचप थोड़ा डाल दें, गार्लिक है, गार्लिक सॉस हो गई, ये ले जी। और ये बन चुका है, हो गया जी, डन है। बनाना फ्राइज, लेट्स ट्राई इट आउट गाइस, ओ माय गॉड, आई हैव नेवर सीन, देखना देंगे, I've never seen actually anything like that before. This is the first time I've actually seen it. So as I said, guys, I've never seen a banana fries before. First time I'm actually trying in Pakistan. मैंने और कहीं और भी नहीं देखा ये इस तरीके का. So it's something unique. ठीक है. ये एक try करते हैं इस तरीके गरम गरम बना हुआ है. Bismillah. आप भी करें यार, try करें, बताएं. इतना बनाना का थोड़ा आ रहा है लेकिन जो क्रिस्पीनेस है मसाले के काफ़ी फ्लेवर आ रहे हैं, जो भाई ने इसमें मसाले डाले हैं उसका काफ़ी फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, साथ में चिप्स भी आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पता चल रहा है कि ये बनाने से बना है, मुझे बिल्कुल थोड़ा हल्का सा आ रहा है बनाना फ्लेवर, लेकिन जो इन्होंने मसाले डाले हैं उसका ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है। ये एक अच्छी डिश बन गई गाइस, समथिंग डिफरेंट। ओ, चटनी है, ये क्या है? ग्रीन चटनी है, इसका काफ़ी किक है, क्रिस्पी काफ़ी अच्छा है। आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट स्नैक आइटम, स्नैक लिए आप स्टार्टर स्नैक के इधर आए, इंजॉय कर सकते हैं कि दोस्तों यारों के साथ आओ। ये जगह है, ये स्टॉल है, ठीक है। किधर है? बैंक अल हबीब के पास, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, बैंक अल हबीब के सामने ये स्टॉल लगा हुआ है भाई का। इधर आए और इनका जो है बनाना फ्राइज लाजमी ट्राई करें। आई एम गोना एंजॉय दिस एंड आई एम गोना कैच अप विद यू गाइस इन अ शॉर्ट व्हाइल। सो यू नो व्हाट गाइस, दिस वाज समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, आई रियली एंजॉय दैट। मैंने इस तरीके से पहले कभी खाया नहीं, और ये मज़े की बात है, ये अभी इन्होंने
हम आए थे घंटा पहले, इन्होंने एक स्टार्ट किया था ये बनाना फ्राइज, लेकिन किसी ने मतलब कि फर्स्ट ट्राई भी हमारी, वो कहते हम पहले उनका कस्टमर थे, तो जब तक ये वीडियो आएगी, मैं पहले काफ़ी वीडियो आएगी, उसके बाद जब आप वीडियो आएगी ना तो आप देखेंगे, ये हमने वीडियो बना दी थी सैटरडे को, 9 सितंबर को ये वीडियो हमने बनाई थी, आएगी बाद में, तो वो आपने चेक करना कि हम 9 सितंबर को हुसैनाबाद फेर रहे थे और ये हमने बनाने फ्राइज़ की पहली वीडियो बनाई थी। कह रहे थे कि बम्बई कोयला कढ़ाई कहते हैं काफ़ी सारे बना रहे हैं इधर, ये देखें इधर बहुत सारी पेटियाँ बन रही हैं, कोयले में बन रही है, इस तरीके से ये लोग कोयले में बनाते हैं और कह रहे काफ़ी लोग इधर पसंद भी करते हैं उनका खाना। कोयले में बन रहे हैं, कोयले में कढ़ाई बन रही है। कैसा लगा? VIP एकदम मजा आया था, टेस्ट वाइज फ्रेश था, ठंडा था एकदम। ये गिलास मिल गया आपको VIP शेफ का, चल रहा है। ये गन्ने का जूस वैसे आ चुका है, इन्होंने बना दिया है, लेकिन इस तरीके से गन्ने का। ये गिलास कितने का है जी? 50 रुपए का। अच्छा 50 रुपए, चलो जी इसको ट्राई करते। सो देखो मैसिव ग्लास, दीज बॉयज दे डोंट वांट टू ड्रिंक इट, ठीक है इनको पीना नहीं है, लेकिन हम पियेंगे, ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह। ठंडा फ्रेश फ्रेश इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरी बार दवा मैं पाकिस्तान में पी रहा हूँ, एक दफ़ा लाहौर में पिया है जो आपने वीडियो देखी होगी लाहौर में, और आज जी कराची हुसैनाबाद स्ट्रीट फूड में जी मैं गन्ने का जूस पी रहा हूँ। ये शोरमा इन्होंने इधर लगाया हुआ है, ठीक है down to this place Bulan, और कहते हैं इनका खाना काफ़ी अच्छा है, आप लोगों को बताएंगे कि इनका खाना कैसा है, और साथ में आप लोगों को इनका जो है पूरा जो है सिस्टम, जो जिस तरीके से क्या क्या बन रहा है इधर, बारबेक्यू बन रहा है, कढ़ाई काफ़ी इनकी मशहूर है, तो वो भी आप लोगों को साथ साथ में दिखा देते। लेट्स गो इनटू Bulan। इसको भी, और कहते हैं कि इनका कटा कट जो है मतलब कि इसके अंदर 3 चीज़ें डलती हैं मगज़ से, मतलब कि बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बनाते हैं मगज़ से, इसमें जी कलेजी है, मगज़ से कलेजी भी है, दिल है, गुर्दा है, इस तरीके से बनाते हैं। साथ में इन्होंने मिर्चें डाली हैं, धनिया डाले हुए हैं, ठीक है आप शो कर रहे हैं। This is one of the famous dishes that they normally do around here. A lot
lot of people are coming down here just for the cut a cut. And then at the same time, they let me quickly show you. इस तरीके से नाम बना रहे हैं हमारे भाई इधर. लगे हुए पूरी पराठा लगता है ये इस तरीके से देखें बनाते हैं उधर भाई हमारे लगे हुए हैं बना रहे हैं इस तरीके से और जब बनता है हमारे दूसरे भाई ने ये चीज़ इधर इस तरीके से तरीके से ये जी फाइनल लुक है कटा कट का ब्रेन मगस वाला मगस का. हमारा ऑर्डर भी आ चुका है. दिस इज द मिक्स कटा कट का पूरा ये देखें इस तरीके से कटा कट बन रहा है और साथ की मलाई होती है. So, I'm not gonna delay. I'm gonna start off with the malai roti. Acha, ye dekhen ye ki malai roti hai. The barbecue to hai. Malai roti. ठीक है इसको जी हम ट्राई करते हैं. Let's try it out. Bismillah. I'm not gonna. ये देखो सॉस या हमने quickly. ये देखें इनके पास सॉस है. You guys must see, see. ज़्यादा नहीं दिखाता वरना नीचे गिर जाएगा. सॉस के ऊपर थोड़ा लगाते हैं इस तरीके से. अच्छा मलाई मोटी नाइस है. बारबेक्यू ओवर ही नहीं हुआ है. थोड़ा इन्होंने नरम नरम सा भी रखा हुआ है. मलाई है क्योंकि इस हिसाब से वो ज़्यादा नहीं बारबेक्यू बना उसका जो है फ्लेवर जो फ्लेवर होता है वो चले जाता है. ठीक है रियली नाइस सॉफ्ट जूसी गाले पे मॉइस्चर. ठीक है इस तरीके का मुझे ज़्यादा पसंद है. फ्लेवर अच्छा आ रहा है. ये इनकी रोटियाँ देखो पतली पतली डबल है वो. ये जी बड़ी पतली पतली रोटी है कि बंदे को एक ही फुल नहीं होगा. बहरहाल मैंने इधर से तोड़ दिया. ये इनकी रोटियाँ हैं चपाती और ये जी इनका मिक्स कटा कट. इसमें क्या क्या है? स्पाइसी है लगता है. हमने लेट्स गेट द फर्स्ट क्वाइट ऑयली. लेट्स गेट द फर्स्ट बाइट. बिस्मिल्लाह. जिस तरीके से इनकी मलाई मोटी का फ्लेवर आ रहा है टकट का भी तीन फ्लेवर मिक्स होकर आ रहे हैं. इसमें कहते हैं कलेजी है मगज से गुर्दे हैं. थोड़ा इन्होंने चिली भी डाली नहीं ऊपर दे. ऑयली बहुत है. एज अ सेड अर्ली ऑन अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी फूड दे आर गोना बी ऑयली. दैट्स हाउ इट इज. जस्ट अ क्विक वन. मेक श्योर यू हैव अ रायता व्हेन यू कम टू प्लेसेस लाइक दिस बिकॉज देयर ओन कॉटेज फूड रायता चाट पटाए. इस तरीके से जी रायता भी दिया हुआ साथ में इसको भी ट्राई करते हैं. फ्रेश फ्रेश रायता. And then lastly, I'm gonna drain you all down with a 7-Up. So I'm gonna enjoy my food. काफी शोर है. Hope you guys can hear me. उधर जी बड़ा टक टक की आवाज़ें आ रही होगी आपको. उधर जी कढ़ाई भी बन रही है. बड़ा शोर है. Senabar street food. I am sweating here. But you know what guys, it was an amazing meal at Bolan. यार इनका खाना वो काफ़ी कटा कट जो बनाते हैं काफ़ी मज़ेदार बनाते हैं. और भी आपने बहुत सारे स्ट्रीट फूड देखे हमने. मटका फ्राइज़ है गोल गप्पे हैं चपली कबाब वाले हैं
और बहुत किस्म के आपको इधर खाने को मिलेंगे हुसैनाबाद स्ट्रीट फूड। जिस तरीके से आप लोग को मैंने अपने चैनल पे लाइक सर दिस माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग कराची इन पाकिस्तान सो आई शोड यू द बंस रोड स्ट्रीट फूड, दिस इज़ हुसैनाबाद स्ट्रीट फूड। तो ये वीडियो जी 9 सितंबर को मैंने वीडियो बनाई थी, रात तक हम इधर वीडियो बना रहे थे। तो अगर आप देखेंगे इस वीडियो को, ये बाद में आती है या पहले आती है डिपेंड करता है, लाजमी आपने जी चेक करना है। मेक श्योर यू कीप वॉचिंग ऑल द व्लॉग्स दे आव डॉन प्रीवियसली। लाहौर गए थे हम, पिशावर गए थे, बहुत सारी वीडियो आई हुई जो आपने चेक करनी है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आज का हम व्लॉग खत्म करते हैं, सब्सक्राइब टू दानिश व्लॉग्स का, मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ अस सेफ नाउ इज़ टेक केयर एंड खुदा हाफिज़ एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।